हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विम बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं स्विमिंग की टिप्स देने वाला हूँ। काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। फिलहाल जो हरियाणा में है वहाँ तो स्विमिंग पूल बंद है, सारे स्विमिंग पूल बंद। नियो में कई जगह स्विमिंग पूल चल रहे हैं, इंडिया में मोस्टली मेरे ख्याल से सारी जगह बंद है, पर कई जगह स्विमिंग पूल चल रहे हैं। तो उन सब के लिए एक बेसिक सी वीडियो, जो टिप्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कान में पानी चला गया, नाक में पानी चला गया, या फिर हम सांस नहीं अच्छे से ले पा रहे, वो टिप्स के बारे में। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक टिप्स बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब कि पानी के अंदर जाके सांस छोड़ना, बाहर आके सांस लेना, फिर पानी के अंदर जाके सांस छोड़ना। तो उसको करना कैसे है, आप उसको बाहर प्रैक्टिस कर सकते हो। बाहर प्रैक्टिस करने के लिए करना क्या है, आपने क्या करना है, मतलब कि मुंह से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, बस ये एक रिदम बना लेनी है। पर याद रखना कि मुंह से सांस आपने जल्दी लेना है और सांस नाक से धीरे छोड़ना है। कैसे, जब हम स्विमिंग करते हैं क्या होता है, हम ऐसे ज्यादा, मतलब कि नाक से हम ज्यादा तेज सांस छोड़ते हैं ना। माइंड को शांत रखना है, कंफर्टेबल रहना है, अनकंफर्टेबल नहीं होना, ठीक है। इजिली जैसे कि अगर एग्जाम्पल, हम स्विमिंग करते समय हमारा फेस अंदर रहता है, हम ऐसे स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नाक से सांस छोड़ देते हैं। हमें सांस लेने के लिए हम ऐसे मुंह उठाते हैं, ऐसे मुंह नहीं उठाना जब आपने सांस लेना है। जब आप सांस ले लिए, हल्का सा आपने ऐसे टर्न करना है, ऐसे टर्न करोगे एक गॉगल्स आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। फेस खुलने के लिए आपको आगे वाला पार्ट जो है ना वो हल्का सा नीचे करना है, देन बस ये चीज, बस ये चीज आपने क्या करना है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे कि इजिली 1, 2, 3 and 4 ये हो गया राइट में। अगर आप दोनों साइड सांस लोगे तो ज्यादा बेटर है, बहुत अच्छा है। क्या करना है, 1, 2, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आप सिर्फ राइट साइड लोगे तो आपके राइट वाला हैंड मूवमेंट है ना वो ज्यादा सोलिड हो जाएगा, जिसके कारण जब आप स्विमिंग करोगे तो आपको सिर्फ एक ही साइड की मूवमेंट ही रहेगी, प्रैक्टिस उसकी ज्यादा हो जाएगी। मेरी सही सलाह है कि आप दोनों साइड मूवमेंट में सांस लो, ताकि आपको प्लेयर का पता चले कि जब हम स्विमिंग करते हैं कि कौन सा प्लेयर हमसे आगे या पीछे है। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमें ऐसे फेस करके नहीं प्लेयर देखना होता, हमें पानी के अंदर से ही प्लेयर देख लेना। जब हम ऐसे सांस लेंगे तो हमें प्लेयर की एक छवि दिख जाती है कि हाँ भाई प्लेयर यहाँ पे है या हमारे आगे है, हमें पता चल जाता है। और सेम ऐसे भी इस साइड भी सेम ही होता है, जब हम सांस लेते हैं हमें पता लग जाता है। अगर आपने कभी यूट्यूब पर सर्च मारा हुआ ओलंपिक की जो रेस है उसमें देखना, जो माइकल फ्लिप है या बड़े बड़े प्लेयर है, तो वो पानी के अंदर से ही प्लेयर को देख लेते हैं कि हाँ भी प्लेयर कहाँ पे है, वो बाहर से नहीं नोट करते। बाहर से नोट करने में टाइम वेस्ट होता है, हमारी स्पीड स्लो होती है, ठीक है, एक वेव ज़्यादा तैयार हो जाती है। तो क्या करना है, आपने प्रैक्टिस सबसे पहले ब्रीथिंग की प्रैक्टिस क्या करनी है, ये ऐसे आपने प्रैक्टिस लेनी है। जेन्युइनली है आपको अगर थोड़ी बहुत स्विमिंग आ गई हो। ब्रीथिंग का बेसिक्स रूल क्या है, मुँह से सांस लेनी है, नाक से छोड़नी है। पर कई कहते हैं कि आप नाक से सांस लो कि छोड़ो, आप मुंह नाक से ही ले लो, ऐसा सिस्टम नहीं होता। कई नोज पिन लगा लेते हैं, नोज पिन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। जब आप नोज पिन लगा लेते हो तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। नोज पिन बैक करते सभी स्विमिंग, नोज पिन ना यूज़ करो, क्योंकि जब आप बिना नोज पिन के पानी के अंदर आप स्विमिंग करने लग जाओगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। फिलहाल मेरी आंखों में पड़ रहा है सूरज। और एक चीज़ और बात रखना, जो किकिंग है, किकिंग के लिए आपको एक होता है थप 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 करना है, नहीं, किकिंग की स्पीड फास्ट करनी है। किकिंग को आपने बहुत फास्ट करना है। जब आप फास्ट करोगे, सही करोगे, तो आप स्पीड में आगे जाओगे। पैर मूवमेंट कैसे रखनी है मैं आपको बता देता हूँ। लेग मूवमेंट जब आपने स्विमिंग करनी है तो ये ऐसे खड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए बस, ठीक है। तो आपने इसको तेज तेज ऐसे चलाना है, जिसके कारण ये हल्का सा अगर बेंड भी हो जाता है कोई इशू नहीं है, ये ऐसे सिर्फ ये, ठीक है। तो कई क्या करते हैं, लेग्स मूवमेंट है बस, ऐसे हल्के जरा जरा से ऐसे ऐसे हिलाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी। वैसे तो मैंने सारी बेसिक्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, इस बार सेशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे सांस लेने के लिए। अब ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज़्यादातर पानी में, मतलब कि जैसे ये डीप पूल देख सकते हो आप कैसे है, ये ऐसे है, ठीक है, मतलब कि ऐसे डीप होता जा रहा है, ठीक है। आपने ब्रीथिंग करनी है तो ऐसे आपने नीचे जाके हल्का सा जंप मार के आगे ब्रीथिंग करनी है, एक ही जगह करो या फिर करते करते आगे जाओ। जितना गहरे में जाते जाओगे ब्रीथिंग करते करते, आप उतना कंफर्टेबल, उतना पानी में आप कंफर्टेबल हो जाओगे। जब एक बार पानी में कंफर्टेबल होगे ना, आपको डर लगेगा, जैसे कहते हैं ना बहुत डर लगता है, तो ब्रीथिंग के ऊपर काम करो। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे
जो मेरा मानना है सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीथिंग है, उसके बाद फ्लोटिंग आ जाती है। अगर आपको ब्रीथिंग आ रही है ना तो आपको पानी में दिक्कत नहीं होगी, चाहे गहरे में हो चाहे कम पानी में हो। और कमेंट आते हैं मुझे साइकिलिंग के ऊपर, साइकिलिंग के ऊपर सर हमें एक जगह पानी में खड़ा नहीं रहता, पैर चलाता हूँ। भाई कोई भी चीज़ करोगे उसके लिए प्रैक्टिस आपको हार्ड चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जो कि आपको लगेगी लगेगी। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही आप उसमें धीरे 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 स्टैंड करोगे। मैंने भी जब साइकिलिंग की थी, जब साइकिलिंग कहते हैं या फिर डीप पानी में खड़े रहें, कैसे डीप पानी में एक जगह स्विमिंग करें, वो सारा सिस्टम जब मैंने भी स्टार्ट की थी तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, जैसे आप साइकिल चलाते हो ना सेम वैसे ही होता है। ठीक है, हम साइकिल ऐसे ऐसे चलाते हैं तो इसमें क्या करना, हमने इसमें राउंड करते हैं, लेग्स हल्के सा बाहर चलने लग जाता है। पर जब आप धीरे धीरे साइकिल ऐसे ऐसे चलाने लग जाओगे तो अपने आप वो अपने आप पोस्चर अपने आप आ जाएगा वो। ठीक है, जब आप स्विमिंग करते हो और आपको लगता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, तो अपनी एक वीडियो बनवा लो किसी से, फिर अपनी कमी देखो। कमी देखने के लिए आपको क्या करना है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो या किसी की भी वीडियो देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि हाँ ये लेग्स ऐसे चला रहा है, मैं लेग्स ऐसे चला रहा हूँ, उससे आप जल्दी सीखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको लेग्स मूवमेंट का पता चल गया हो, लेग्स मूवमेंट तेज चलानी है सही चलानी है। ठीक है, और कोई कमी आए तो देख लेना। ब्रीथिंग का मेन आ रहा था, ब्रीथिंग भी आप मैं बता दी। कान में पानी जाना पहले 7 दिन में क्या होता है कि कान का पर्दा जो है गिल्ला हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें कम सुनाई देता है, या फिर कान में पानी जाता है ना, आप ऐसे बंद करके ऐसे करोगे कानों में से हवा बाहर निकलती है और पानी भी बाहर निकल जाता है, या फिर आप ऐसे करके ऐसे करोगे तो भी कान से पानी बाहर निकल जाता है। पर अगर कान का पर्दा गिल्ला है और हमें लग रहा है कि कान में पानी है, वो नहीं बाहर निकलेगा। ठीक है, उसके लिए आँखों में पानी आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इजीली कुछ नहीं करना है, आपको हल्का सा सरसों का तेल गर्म करके आप कान में डाल सकते हो, गुनगुना करके कान में डाल सकते हो। पहले 7 दिन में ये प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद कोई इशू नहीं आएगा। बाकी रही गॉगल्स लगाने की बात, तो आप गॉगल्स जब लगाते हो उसको सेट कर लिया करो अच्छे से, हवा भर जानी चाहिए गॉगल्स में, तो उसमें ही बल्कि जो क्या कहते हैं पानी नहीं जाएगा। जब कई कहते हैं ना गॉगल्स लगाने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं दिखता, तो उनके गॉगल्स में पानी चला जाता है, गॉगल्स में पानी नहीं जाएगा तो क्लियर दिखेगा। सारी होगी बात, अब लेग्स की थोड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, ये आपको पहुँचे दिखा देता हूँ। लेग्स की क्या करना है, हम ये ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है, लेग्स मूवमेंट ऐसे पैर करके, तो पानी में ये ऐसे तेज तेज चलानी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए जैसे आप मेरी टी शर्ट गंदी हो जाएगी, कोई बात नहीं, ये आप ऐसे लेट सकते हो, ये वाली कमर थोड़ी है ना पानी के अंदर ही रखना, ऊपर मत रखना। ठीक है, ये यहाँ पे लेग स्ट्रेट करके देन ये चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने थोड़ी की है क्योंकि ये गर्म है अभी, आप समझ सकते हो ना, मैंने आपको बता दी, बल्कि ये मूवमेंट आपने तेज करनी है बस, उसके बाद आप देखना स्विमिंग कैसे तेज करोगे। ठीक है, बाकी मैं एक दो पार्ट और बना दूंगा इसके, जिसके ऊपर लेग मूवमेंट पर्टिकुलर अलग बना दूंगा, हैंड मूवमेंट अलग बना दूंगा, ब्रीथिंग अलग बना दूंगा, और अपने क्या कहते हैं बैक की साइड, मतलब सबके अब बेसिक्स देने शुरू कर दूंगा, क्योंकि कमेंट काफ़ी आ रहे हैं स्विमिंग के ऊपर। तो ये था हाउ टू लर्न स्विमिंग टिप्स इन हिंदी। बस अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर कोई कुछ चीज़ रह गई हो तो मुझे पूछ लेना कमेंट में, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, स्माइल करता हूँ क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं, तो सभी में मैं नहीं लिख के टाइप नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इंग्लिश वैसे कमज़ोर है। दूसरी बात कि मैं लिख के आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर जिसके बहुत कमेंट आते हैं उसके ऊपर वीडियो बनानी मुझे ज़्यादा प्रेफर लगती है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको जो आपकी मेन मेन मेजर प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है। अगर आप चाहते हो, वैसे मैं ब्लॉगिंग शूट कर रहा हूँ इस चैनल पे, आपको पता नहीं मेरे ब्लॉग इतने अच्छे नहीं होते, मुझे पता है, क्योंकि अभी मैं ब्लॉगिंग के मामले में मेरा हाथ थोड़ा तंग रहता है, पर फिर भी कोशिश यही रहती है कि आपको मैं कुछ ना कुछ कंटेंट देता रहूं। पर मेन चैनल ये स्विमिंग का, तो इस साल स्विमिंग नहीं होगी, अगले साल होगी, और शायद मुझे लगता है कि इस साल गीता जयंती भी नहीं होगी, क्योंकि कोरोना का जो है वो सीन चल रहा है तगड़े वाला, और जुलाई है, जून जुलाई, जुलाई भी ख़त्म होने वाला है, बल्कि अभी 15-17 तारीख 18 तारीख हो चुकी है, तो कितने दिन लगे, 19 तारीख है आज, 19 तारीख है, क्या बात है, आज 19 तारीख है, बल्कि ये भी महीना बीत गया है, तो कोई कंपटीशन नहीं होने वाला मुझे, बल्कि काफ़ी, बल्कि पूल मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ इसको, कि इस टाइम हम स्विमिंग करते थे या लाइव आता था मैं शाम को, तो क्या करें मजबूरी है। तो फ्रेंड्स बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना, और निराश मत होना अगर आपको मैं कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता या फिर मेरी वीडियो लेट आती है, उसके लिए सॉरी, बहुत कम आ रही है इस पर, लाइव रेगुलर हूँ और काफ़ी जने मुझे अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और बस इसी तरह आपको टिप्स देता रहूँगा और आपको स्विमिंग सिखाता रहूँगा। इस बार मैंने ये सोचा था कि जो
जिसको ज़्यादा स्विमिंग आती है, मतलब कि जो प्लेयर है उनके ऊपर भी टिप्स बनानी थी मुझे, तो क्या करें, इस बार कोरोना ने करवा दिया ठुल्लू बाबा जी का। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू बहुत ज़्यादा बढ़िया, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे। और हाँ, एक चीज़ और, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लें। मेरे डिस्क्रिप्शन में पेज अभी गलत काम कर रहा है, मैं उसको रीसेट दोबारा सेट करूँगा। बाय।